लिखा विखा हॉरोस्कोप्स का न्यूज़पेपर्स और सारे लैंग्वेजेस में, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ साउथ, तमिल वामिल सब सब सब। मैंने गुजराती भी निकाल के रखा था, मुझे पता था आप आने वाले। जल्दी इसका वजन करो, मेरे को टाइम हो रहा है, मैं ऑफिस जाना है, तुम भी ना। भाई साहब, अरे अरे ये गिर गया, इसको क्या हो गया? वही तबीयत ठीक नहीं है ना बेटा? मुझे चक्कर आया, मुझे एक टैक्सी प्लीज। टैक्सी टैक्सी रुको, एक मिनट, तुमको किधर जाना है? तुमको याद नहीं है? अच्छा अच्छा, तुम्हारी बिल्डिंग का नाम क्या है? अच्छा तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है बेटा? मेरा नाम अमित बंसल, इस आर्ट गैलरी के मालिक, राइट? जी सर, मेरे बॉस, आई मीन मेरे बॉस थे सर। दो गोलियां, एक छाती में और दूसरी पेट में, और दोनों सामने से चलाई गई। ये बाकी दो गोलियां कहाँ हैं? साहब, इधर भी दो गोली हैं। और गोलियां इस पेंटिंग में, 9mm बुलेट, यानी कि एक आदमी को मारने के लिए चार गोलियां चलाई गई, जिनमें से दो गोलियां मिस हुई। इसका मतलब कि कोई माहिर निशानेबाज नहीं हो साहब। चार नहीं, पांच गोली है। ये देखिए पांचवी गोली की सील। गोलियां चार और शेल पांच, इसका मतलब कि एक और गोली। ने पांचवी गोली कहाँ है? मुझे याद आ रहा है? नहीं, मैं जानता हूँ ये बहुत अजीब है, कोई भी मेमोरी नहीं, सिवाय इसके कि मैं जेजे रोड में खड़ा हूँ इस किताब के साथ। कि पहले का कुछ भी याद नहीं, ना नाम, ना घर, ना घर वाले, नथिंग, कुछ भी नहीं। विचित्र बात है कि तुम्हारे इस पुस्तक का नाम भी है हु एम आई, मैं कौन हूं। इनकी जेब से क्या क्या मिला? तीन चीजें मिली, से इनहेलर, ये चाबी का गुच्छा और ये रुमाल। तुम्हारी जेब में इनहेलर होना इस बात का संकेत है कि तुम्हें दमे की बीमारी है। रुमाल पे एम लिखा हुआ है, इसका अर्थ यह होता है कि तुम्हारा नाम एम से शुरू होता है। मुझे याद आया, कुछ याद नहीं आ रहा मुझे, कुछ याद नहीं आ रहा। तुम्हारे सर के पीछे चोट लगी है, संभवतः इसी कारण तुम्हारी याददाश्त गई है। कुछ खाओगे, कुछ पियोगे? टाइम क्या हुआ? 10:15। क्यों? एक चिकन सैंडविच विदाउट टोमेटो, और मेयोनीज में एग नहीं चाहिए, मुझे एग से बहुत एलर्जी है। अमित, अमित मेरे पति, हे भगवान, मुझे किसके सहारे छोड़ के जा रहे हो? मिसेस बंसल, लोलो, लोलिता। अब लोलिता जी, आपके पति इतनी बड़ी आर्ट गैलरी के मालिक, उनका कोई दुश्मन, आई मीन आपको किसी पर शक हो जिसने कल रात आकर उनकी जान ली? कामयाब आदमी के 100 दुश्मन होते हैं, अमित के भी थे। वो सारे पेंटर्स जिनकी पेंटिंग अमित अपनी गैलरी में नहीं लगाता था, वो सारे क्लाइंट जिन्हें अमित कम दामों में पेंटिंग नहीं देता था, मेरा शक उस कमीने पर है। कौन? बाबुल, इनका पिछला असिस्टेंट, इस लड़के से पहले। और क्यों? क्योंकि उस कामचोर को अमित ने नौकरी से निकाल दिया था, और जाने से पहले उसने अमित को ढेर सारी धमकियां दी थी। मैंने पूरी बात
अमित के फोन पे रिकॉर्ड भी की है। इसे अपना नाम याद नहीं, लेकिन कौन सा सैंडविच खाता है ये अच्छी तरह से याद है। इसे प्रोसीजरल एमनीजिया कहते हैं, जहां व्यक्ति को अपने बारे में कुछ याद नहीं रहता, लेकिन रोजमर्रा की जो आदतें होती है वो याद रहती है, जैसे कि फेवरेट रंग, एक्टर, फिल्म इत्यादि इत्यादि। यू आर वेयरिंग वेरी नाइस ड्रेस, रेड इज माय फेवरेट कलर। या थैंक यू। बार में इश्तेहार दे दे, कोई ना कोई तो होगा इसका, बाकी पुलिस से पता चल जाएगा। सोचने वाली बात है, जे रोड पे करके आ रहा था, जेब में सिर्फ रुमाल, इनहेलर, चाबियों का गुच्छा, हाथ में ये किताब। फॉरेंसिक्स में उस बुलेट को आर्ट गैलरी में चली गोलियों से मैच किया, एक ही गन की थी और एक ही समय पे चली थी। इसका अर्थ ये होता है कि घटना स्थल पर जितनी गोलियां चली, एक इनकी ओर चली, जो जाकर इनके किताब में यहां धस गई, जिसके कारण तुम नीचे गिरे, तुम्हारे सर पर चोट आई और तुम्हारी हद दस चली गई। बोलो, तुम्हें कुछ याद है? शालीमार आर्ट गैलरी, लिंकिंग रोड फार वेस्ट, अमित बंसल, इसे पहचानते हो? तुम वहां पे क्या कर रहे थे? किसने चलाई गोली? दवे दवे दवे, इस व्यक्ति की याददाश्त चली गई हो, इतने सारे प्रश्न एक साथ पूछे तो कैसे कुछ बोलेगा? अजीब सिचुएशन है, एक मर्डर और एक चश्मदीद कवर, लेकिन उसे भी कुछ भी याद क्षमा चाहता हूँ माता जी, आपके आपके घर में बिल्लियाँ हैं क्या? हाँ, 11 है। मेरा मन्नू रोज उसके साथ खेलता है, बहुत प्यार करता है ना बेटा? नहीं, अगर आपके पास 11 बिल्लियाँ हैं तो फिर ये आपके सुपुत्र नहीं हो सकते, क्योंकि जिसके घर में 11 बिल्लियाँ हैं वहाँ एक दमे का मरीज तो रह नहीं सकता। संभवतः आपसे कोई भूल हो रही है। नहीं, मैं इनकी माँ हूँ, मैं आपकी भी माँ हूँ, मैं सबकी माँ हूँ। दवे उस औरत का इतिहास चेक करवाया तो पता चला कि वो एक दिमागी मरीज है। 10 साल पहले उसका बेटा उसे छोड़कर चला गया था, तब से हर आदमी को अपना बेटा मानती। साहब, मरने से पहले अमित बंसल के फोन पर जैपनीज नंबर से फोन आया था, हिदे तोशी ताकाहाशी। हिदे तोशी? हाँ, ये उसका नाम है। ये कौन सी नई पहेली है रब? अच्छा, ये तो वही व्यक्ति है, जापान का बहुत बड़ा कार ट्रेडर, 2 पत्नियां हैं, 2 बच्चे, 4 कुत्ते, 8 लवर। और ये सब तुम्हें इसका नाम जानकर पता लग गया? नहीं, समाचार पत्र भी पढ़ना चाहिए कभी कभी, रवे बड़ी दिलचस्प खबरें होती है उसमें। जैसे कि आज खबर थी कार्पोव और विश्वनाथन आनंद, नाम तो सुना ही होगा तुमने, शतरंज खेलते हैं दोनों, ग्रैंड मास्टर हैं। दोनों ने 5-5 गेम खेली और जितना आनंद हारा उतना कार्पोव हारा, जितना आनंद जीता उतना ही कार्पोव जीता, लेकिन ड्रॉ एक भी मैच नहीं हुआ। ये कैसे पॉसिबल? छोड़ो केडी, मुझे अपनी पहेलियों से बचाओ,
और इस केस को भी छोड़ो। अरे सावंत, वो क्या नाम उसका, नागासाकी, उसको लेकर आओ। ओके सर। नागासाकी नहीं, नाकाशाकी। एनीवे, दोस्त चिंता मत करो, जिसका कोई नहीं होता उसका वो होता है, कोई ना कोई रास्ता अवश्य निकलेगा। सर वो कारपोव विश्वनाथन आनंद की पहेली का जवाब क्या है? सर पांच गेम खेलते हैं और एक भी विनर नहीं। How is that possible, sir? एक मिनट। ये बाइक की चाबी है ना? जी हाँ। तो पता चल गया वो कौन है? क्योंकि तो जो भी है वहाँ आर्ट गैलरी में बाइक पर आया था, तो स्पष्ट है कि बाइक अभी भी वहीं खड़ी होगी। लेकिन सर बाइक पर ही क्यों? वो टैक्सी या गाड़ी में भी तो आ सकता है। जा सकता था लेकिन गया नहीं था, क्योंकि उसकी पतलून पर नीचे कीचड़ के छींटे उड़े थे। तभी होता है जब व्यक्ति बाइक पर जाता है। और द्वितीय, उसके बाल जो थे पूरे चिपके हुए थे, इसका यह अर्थ है कि वो हेलमेट पहना हुआ था। जा देख ये चाबी कौन सी बाइक में फिट होती है। जिस बाइक पे लग गई वो बाइक उसकी नंबर प्लेट से अदा बताने का। जी सर। जा। मिस्टर एम। कुछ याद आया इस जगह को देखकर? मैं शायद इनको जानता हूं। इनको पहले कहीं देखा है? नहीं नहीं, मैं आपको नहीं पहचानती। इंस्पेक्टर साहब, आप ये सब छोड़िए, उस बाबुल को पकड़िए, उसी ने मेरे हस्बैंड को मारा है। आप यहाँ पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं। इंस्पेक्टर दवे, रियली वेरी सॉरी, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। क्या नाम आपका? सर साईनाथ। साईनाथ देखिए। साईनाथ जी, क्या आपने पहले कभी इसे देखा है? क्या ये उस रात यहाँ पर था? नहीं सर, मैंने उन्हें कभी नहीं देखा। वैसे भी ये मर्डर जिस रात हुआ है उस रात मैं कॉलेज में एक्स्ट्रा क्लास ले रहा था। मैंने उस आदमी को कभी नहीं देखा। बड़ी अजीब बात है, कैसे पता चलेगा कि आदमी कौन है और ये मर्डर किया किसने? अरे भाई क्या कर रहा है? मेरी बाइक है। MH02RF124 और बाइक के अंदर ये रजिस्ट्रेशन पेपर्स भी थे। मनोज भंडारी 22JVPD स्कीम जो हूँ। परिवार का कोई आता पता? तो परिवार यहाँ नहीं, बीवी है लेकिन डिवोर्स प्रोसेस में। मैंने उससे कांटेक्ट कर लिया, वो हमसे मिलने आ रही है मनोज के घर पर। इतना तो तय हो गया कि घर तुम्हारा ही। मुझे कुछ भी याद नहीं। थैंक यू सो मच, जो भी आपने मेरे लिए किया। मनोज कैसे हो तुम? तुम मेरी बीवी हो? I mean, थी? God, मैं ऐसी गलती कैसे कर सकता हूँ? कैसे छोड़ सकता हूँ मैं तुमको? मनोज क्या तुम्हें सचमुच कुछ याद नहीं है?
तुम लोगों को पेंटिंग्स का बहुत शौक है। हम दोनों को था। मनोज, याद करो इस पेंटिंग को। ये पेंटिंग तुमने मेरे लिए खरीदी थी। हमारे डिवोर्स होने पर तुम इसी पेंटिंग को बेचकर मुझे सारे पैसे देने वाले थे। सेटलमेंट में ये तो जमा खान जी की पेंटिंग है, उनसे कम 2-2.5 करोड़ रुपए की होगी। 2,35,40,000। थैंक यू सो मच केडी, तुम्हारी वजह से हमें इस आदमी की असलियत पता चल गई और हमें हमारा असली कातिल भी मिल गया। ये देखो मर्डर वेपन, अनुमान से यही मर्डर वेपन है, बाकी बैलिस्टिक रिपोर्ट से साबित हो जाएगा। मिस्टर मनोज भंडारी, यू आर अंडर अरेस्ट। अभी भी कोई याद नहीं है तुम्हें? नहीं सर, लेकिन अगर पुलिस कहती है कि मैंने फोन किया तो शायद किया हो, लेकिन क्यों? किसी प्रश्न का उत्तर खोज कर इस समय पुलिस तुम्हारे विरुद्ध केस दर्ज कर रही होगी, लेकिन ऐसी स्थिति में तुम अपना बचाव कैसे करो? जितना हो सकेगा मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, पर इस दौरान अगर मेरी याददाश्त वापस आ गई और मैं सच में खोने निकला तो आपकी सारी कोशिश व्यर्थ चली जाएगी। कोशिश कभी व्यर्थ नहीं जाती मेरे दोस्त, तुम्हारा कर्तव्य है अपना कर्म करना, अलग परिणाम तो उसके हाथों में। थैंक यू सो मच। यू मीन के इन्हें उस मर्डर के बारे में कुछ भी याद नहीं? जोना ये कह रहे हैं, मेरा मानना ये है कि ये आदमी ढोंग कर रहा है ताकि पुलिस के टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन से ये बच सके। क्यों मनोज जी? राठौड़ साहब, मैं जानता था कि ऐसा ही कुछ आप दलील रखेंगे अदालत में, इसी कारण योर ऑनर तो वकील की मानसिक जांच हमने करवाई, पता चला कि जो कह रहे हैं वैसा ही है। डॉक्टरों के अनुसार भी ये अपनी स्मरण शक्ति, अपनी याददाश्त खो चुके हैं। पाठक जी, प्रोसिक्यूशन को इनकी याददाश्त से कुछ फर्क नहीं पड़ता। योर ऑनर, पुलिस के मुताबिक मर्डर इस गन से हुआ था और ये गन मिस्टर मनोज के घर में पाई गई। एक न्यूज़पेपर में रैप हुई। योर ऑनर, जिस गन की बात राठौड़ साहब कर रहे हैं, इसी गन से एक गोली किताब में भी जा लगी थी। राठौड़ साहब भी समझाएंगे कि वो कैसे हुआ, समझाएंगे? वेरी सिंपल मिस्टर पाठक, जब मिस्टर मनोज मिस्टर अमित को मारने आर्ट गैलरी पहुंचे तो उन्होंने गन किताब के आड़ में रखी, जैसे उन्होंने गोली चलानी चाहिए तो मिस्टर अमित ने झपटा। और गिरने से उन्हें चोट लगी और उन्होंने अपनी मेमोरी खो। आपने इतना तो माना कि इनकी स्मरण शक्ति चली गई थी, अब इनकी स्मरण शक्ति अगर चली गई थी तो कृपया समझाइए हमें, अदालत को भी, कि ये घर कैसे पहुंचे और फिर इन्होंने वो गन कैसे छिपाई जब इन्हें याद ही नहीं था। पाठक साहब, चोट का असर धीरे धीरे होता है। अच्छा, धीरे धीरे? उसके बाद उनकी मेमोरी चली गई। अच्छा, और कुछ हत्या का कारण क्यों इन्होंने ये सब, या मरण शक्ति जाने से पहले कुछ कहना चाहेंगे आप इस पर? योर ऑनर, ये कत्ल क्यों हुआ ये तो अमित बंसल की वाइफ ही बता सकती। जिस रात मेरे अमित का फोन हुआ उस रात हम लोग रोहन कपूर की पार्टी में जाने वाले थे और अचानक से अमित का फोन आया कि वो लेट हो जाएगा। वो बहुत ही फेमस पेंटर जमा खान की पेंटिंग की डील चल रही थी, उस पेंटिंग का नाम था जन्नत। थैंक यू लॉरेन, आप जा सकते हैं। योनर, मतलब कि ये पेंटिंग, इस पेंटिंग के लिए मिस्टर मनोज मिस्टर अमित से मिलने जा रहे थे।
योनर, प्रोसिक्यूशन को यह भी पता चला है कि हाल ही में मिस्टर मनोज का डिवोर्स हुआ और अपनी वाइफ को एलिमोनी के तौर पर एक बहुत बड़ी रकम देने वाले। ये पेंटिंग बेचने के बाद मेरा मानना यह है उस रात मिस्टर मनोज और मिस्टर अमित के बीच में इस पेंटिंग को लेकर बहुत बड़ी लड़ाई हुई होगी। हुई होगी तो मतलब क्या तात्पर्य है आपका? हुई होगी मतलब जंगल में मोर नाचा किसने देखा, लड़ाई हुई थी, झगड़ा हुआ था, बहस हुई थी, इस बात का कोई प्रमाण है आपके पास? आखिर अमित बंसल को किसने मारा इसका प्रमाण क्या अब आप देंगे क्या? प्रयास तो यही कर रहा हूं थोड़ा सा। योर ऑनर आपकी अनुमति हो तो मैं बंसल साहब के भूतपूर्व सहयोगी मिस्टर बाबुल घोष को कटघरे में बुलाऊं। आज्ञा है। बाबुल जी, सुना है ऐसा कि बंसल साहब आपको नौकरी से निकालने वाले थे, जो कार्य आप करते थे उनके लिए उससे आपको बर्खास्त करने वाले थे और उग्र होके आपने उन्हें जान की धमकी दी थी, सत्य है ये बात? झूठ है सर, मैंने कभी उन्हें कोई धमकी नहीं दी। झूठ बोल रहे हैं आप, अदालत में खड़े खड़े न्यायाधीश महोदय के सामने झूठ बोल रहे हैं। योर ऑनर, इस दूरभाष यंत्र पे एक रिकॉर्डिंग है, आपकी अनुमति हो तो चला। मिस्टर बंसल, मुझे नौकरी से निकालकर बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं आप, पछताएंगे। मैंने आपके लिए कितने बड़े खतरे उठाए, कानून को तोड़ा और आप मुझे ये सिला दे रहे हैं, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। मेंटेन साइलेंस इन द कोर्ट। अभी की आवाज है, जान से मार दूंगा और अंततः आपने मान ही दिया। सर मैं तो धमकी दे रहा हूँ सर, और कुछ नहीं, वो जोश में बोल गया सर। अच्छा, जोश में मुंह से निकल गया, तो चलिए उसी जोश में बताइए कि ये जो बात आपने कही थी रिकॉर्डिंग में कि आप उनके लिए खतरे उठाते हैं, कानून को तोड़ते हैं, ये क्या किस्सा है, क्या कहानी है इसकी? एक्चुअली सर, वो बंसल सर ना अपनी आर्ट गैलरी में नकली पेंटिंग से एक रैकेट चलाते थे, वो ओरिजिनल्स मुझे देते थे और मैं उनकी डुप्लीकेट को भी बनाता था जिन्हें वो ओरिजिनल की शक्ल में अपने कस्टमर्स को बेचते थे। चलिए आपकी इस बात का भी खुलासा कर लेते हैं। योर ऑनर, यहाँ हमारे पास उसी गैलरी की एक पेंटिंग है, ये पेंटिंग SM केजरीवाल साहब की बनाई हुई, जो इस समय अदालत में उपस्थित हैं। आपकी अनुमति हो तो उन्हें यहाँ बुलाकर ये तसल्ली कर लें कि उन्हीं की बनाई हुई है या नकली। मिलोर्ड, ये दूर से हुबहू मेरी ही पेंटिंग लगती है, लेकिन नहीं, ये मेरी पेंटिंग नहीं, ये एक डुप्लीकेट पेंटिंग है। देखा, मैंने कहा था ना, वो पेंटिंग मैंने बनाई है, मैं झूठ नहीं कह रहा था। जब मर्डर हुआ मैं तो शहर में था भी नहीं, पुणे गया था अपने कजन की शादी में। आप चाहें तो शादी की वीडियो देख सकते हैं। बाबू जी, उसकी कोई जरूरत नहीं। आई बिलीव एंड थैंक यू सो मच। आपका ये तीर तो निशाने से चूक गया। रसूल साहब, तीर अब भी मध्य राह में, देखते हैं कहाँ जाकर लगता है। करोनर, बंसल साहब के इस फोन पर अंतिम कॉल मिस्टर ताकाशी का आया था, जो उनसे संपर्क में थे। जी हाँ, उस रात मैं आर्ट गैलरी गया था मिस्टर बंसल से मिलने। मैं उनसे काफी सारा पेंटिंग्स खरीदता हूँ। हाँ देखा, कई स्थान पर उनके बिल बुक में आपका नाम मैंने देखा, कुल मिला के 35 पेंटिंग्स आपने ली है उनसे। आप तो कला के इतने बड़े पुजारी हैं, असल नकल में फर्क तो पता ही होगा आपको, और आप जैसे कला की कदर करने वाले को जब पता चला होगा कि जो पेंटिंग्स आपने खरीदी हैं वो नकली हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप उत्तेजित हो गए, उग्र हो गए और आपने
बात मुझे पहले से ही पता थी कि मिस्टर बंसल नकली पेंटिंग्स बेचता था। ये आपको इस बात का ज्ञान पहले से था कि बंसल साहब नकली पेंटिंग बेचते हैं, तो ये ज्ञान होने के बाद भी आपने उनसे 35 पेंटिंग खरीदी? अपने लिए नहीं, अपने दोस्तों के लिए। जापान में मेरे काफी सारे दोस्त जिनकी बीबियां इंडियन आर्टिस्ट की दीवानी है, इसलिए मेरे दोस्त मुझसे पेंटिंग लाने को कहते हैं उनके लिए, पर असली नहीं, नकली, काफी कम दाम में, ताकि उनकी बीबी भी खुश और उनके जेब भी खुश। उस रात, घटना वाली रात, आप वहाँ क्या ऐसी ही नकली पेंटिंग खरीदने गए थे? उस रात मैं अपने लिए एक ओरिजिनल पेंटिंग खरीदने गया, लेकिन जैसे ही मैं आर्ट गैलरी पहुंचा, आप प्लीज कल आ जाइए, देख रहे हैं ना, थोड़ा प्रॉब्लम है। ओके, आई होप सब ठीक है। थैंक यू। और मैं पलटा और वापस चला है, और अगले दिन बंसल के मर्डर के बारे में मुझे पता। और वो आदमी जिसका मिस्टर बंसल से आर्गुमेंट हो रहा था, उसका चेहरा देखा? ऑर्डर ऑर्डर योनर, अब तो हमारे पास एक आई विटनेस भी है जिन्होंने दोनों का झगड़ा देखा। क्या आपने मनोज को बंसल साहब पर गोली चलाते हुए देखा? गोली मारते हुए देखा इन्हें? नहीं, पर नहीं, पर क्या? पर जिस गुस्से में यह आदमी था, मुझे तो डर था कि ये कुछ कर ना पाए। कर बैठा योनर, कर बैठा। दो गोली एक छाती में, दूसरी पॉइंट ब्लैंक रेंज पर गोली चली। उसकी वजह से गोली से निकली बारूद की धूल इनके कपड़ों में पाई गई। योनर, इसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट अदालत के पास। क्या बात है राठौर साहब, क्या तहस में आपने अपनी दलील रखी? लेकिन मैं इनसे पूछना चाहता हूँ भाई, आप कहाँ थे, क्या कर रहे थे जब यह हत्या हुई? मैं वहां से निकलकर अपने फेवरेट रेस्टोरेंट हितो सा में चला गया। रेस्टोरेंट के बुकिंग रजिस्टर में इनका नाम भी है। पाठक जी, आपका ये तीर भी निशाने से सुमंत्र हो गया। कोई बात नहीं राठौड़ साहब, क्या एक बहुत ही सुंदर हिंदी चलचित्र में हमारे एक महाअभिनेता ने कहा था कि अंत में सब कुछ ठीक हो जाता है, और अगर कुछ ठीक नहीं हुआ है, इसका मतलब अंत अभी नहीं हुआ है। पिक्चर अभी, समझ गए ना? रुकिए, तुम बताओ। मैं जानता हूं कि तुम अपनी स्मरण शक्ति खो बैठे हो, और घटना की रात जो भी कुछ हुआ होगा तुम्हें स्मरण नहीं होगा, किंतु घटना की रात से पहले यहां देखो, ये जो लोग बैठे हैं हालत में, क्या इनमें से कोई घटना के पहले तुम्हें दिखा था वहां, या बंसल साहब के साथ? ध्यान से देख, समय लो, याद करने का प्रयास करो। इनका चेहरा कुछ जाना पहचाना है, पर मैं ये नहीं कह सकता कि ये उस रात वहां थी। अच्छा केडी, आप ये मेरा केस छोड़ दीजिए, मैं आपकी इस केस में कोई मदद नहीं कर सकता। मिस्टर मनोज, आप चाहे मदद ना कर, लेकिन आपकी वाइफ अदालत की जरूर मदद कर सकते हैं। मनोज और मेरी नहीं बनी, इसकी वजह मनोज का गुस्सा था। कैसा गुस्सा? इसे बार बार पागलपन के दौरे पड़ते थे, मार पीट पर ये उतारू हो जाता था। मतलब कि जो इन्हें गुस्से के दौरे पड़ते थे, इसने किसी का मर्डर भी कर सकते थे? हाँ, मनोज ने मुझे कई बार कहा था कि उसे लाइसेंस गन चाहिए, वो अपने पास एक गन रखना चाहता था। तो हो सकता है कि मनोज ने ही उस आर्ट डीलर की हत्या की हो।
वो इसलिए ताकि इनके पास जो कुछ भी बचा है इनके सजा होने के बाद वो रेखा जी को। अच्छा रेखा जी, ये जो सुंदर सा चित्र है चित्रकार ने बनाया है, यही है चित्र आप दोनों के बीच फसाद का जड़? ये पेंटिंग तो मनोज ने मेरे लिए खास बनवाई थी, इस पर एक स्पेशल डेडिकेशन मैसेज भी है। अच्छा? हाँ, इस पर तो ऐसा कोई कुछ कुछ यहाँ तो मैसेज ही नहीं है। नहीं है, ऐसा तो नहीं कि ये नकली है। मतलब ये पेंटिंग भी नकली? ये पेंटिंग तो नकली है मनोज। अब केस मुझे अच्छी तरह समझ आ गया। इट्स अ वेरी सिंपल केस। मिस्टर मनोज ने ये पेंटिंग 2.5 करोड़ में मिस्टर अमित को बेचनी चाहिए। मिस्टर अमित ने इन्हें धोखा दिया और ओरिजिनल पेंटिंग की जगह दोबारा इनको डुप्लीकेट बना दिया। इनको पता चला, बहुत गुस्सा आया और इन्होंने अमित का खून कर दिया। तुम्हें कुछ याद है? शालीमार आर्ट गैलरी, इसे पहचानते हो? अमित बंसल। मर्डर इस गन से हुआ और ये गन मिस्टर मनोज के घर पे पाई गई। यही वो आदमी। मनोज ने उस आर्ट डीलर की हत्या की है। मुझे कुछ याद नहीं, मुझे कुछ याद नहीं। इस केस की गुत्थी को सुलझाने के लिए हमें पूरे मामले को घटनाक्रमांक लगाना होगा। सर्वप्रथम वो अमित बंसल आर्ट डीलर जो असली पेंटिंग्स की नकली पेंटिंग्स बनाकर बाजार में बेचता है, फिर वो जापानीज हितेदोशी ताकाहाशी जो अमित बंसल का सबसे बड़ा क्लाइंट भी, मुझे लगता है उसके साथ मिला हुआ। उस रात मनोज वहां अमित को अपनी पेंटिंग बेचने गया। पेंटिंग को लेकर दोनों में फर्क विवर्क हुआ, वाद विवाद हुआ और ताकाहाशी ने ये सब देखा, फिर वहां से चला गया। कमरे में रह गए बस अमित और मनोज। गोलियां चली, अमित को हत्या हो गई और एक गोली जा कर के उस पुस्तक पर लगी जिसे मनोज ने पकड़ा हुआ था। मनोज गिरा, सर पर चोट लगी, उसकी याददाश्त हुई। वो जो गन मिली वो किसी अखबार में लिपटी हुई थी, राइट, जिसमें से 5 गोली फायर हुई। संभवतः गन को लेते वक्त अखबार को दवे ने वही ड्रॉअर में छोड़ दिया होगा। तू जा घर वापस और उस अखबार को मेरे पास ले, और दवे को लेकर जाना ताकि साक्षी रहे। तो दवे को तो मैं साथ ले जाऊंगा, लेकिन जब वो मुझसे कार्पोव और विश्वनाथन आनंद की पहेली का जवाब पूछेगा तो मैं क्या जवाब दूंगा? तो वही जिसमें वो दोनों 5 गेम्स एक दूसरे के साथ खेलते हैं और सेम नंबर की गेम्स वो जीतते भी हैं और हारते भी, और एक भी गेम ड्रॉ नहीं होते। ये तो मतलब दोनों 5-5 गेम जीतते ना? तो प्रॉब्लम ये है कि जब चेस के 2 ग्रैंड मास्टर्स एक दूसरे के साथ खेल रहे होंगे तो स्कोर इवन कैसे हो सकता है? मतलब स्कोर तो देख देख 4-1। समझ गया मैं तेरी बात, समझ गया मैं तेरी बात। इतना सा दिमाग है तेरा, ज्यादा खर्चा मत कर। दोनों ने 5-5 गेम जीते। विश्वनाथन आनंद जहाँ बैठा था जिसके साथ खेल रहा था उसके विरुद्ध 5 गेम जीता, और कार्पोव जहाँ बैठा था रशियन जिसके साथ खेल रहा था उसके विरुद्ध 5 गेम जीता। तो दोनों 5-5 गेम। मैंने कभी ये नहीं कहा कि दोनों एक दूसरे के विरुद्ध खेल रहे थे, मैंने ये कहा कि दोनों ने 5-5 गेम खेली, समझा? So you're too good. So you're really too good. अब जा मेरे भाई, अखबार लेकर, केस चल रहा है हमारा। जी सर। क्या वरुण, वो दोनों अलग अलग खेल रहे थे? पर यार ये तो चीटिंग है ना। चीटिंग कैसे? अरे यार, मैंने ये बात अपनी बीवी के मायके तक पहुंचा दी है और उन्हें लगता है कि कोई हाईफाई रिडल है। यार मैं तो बेवकूफ दिखूंगा ना, केडी ना मेरी इज्जत का फलूदा करके छोड़ेगा। यही है ना, पर केडी को ये पेपर क्यों चाहिए? लो, हमारे बॉस को याद किया, फोन आ गया उसके। हाँ केडी बोलो। अरे ताकाहाशी आज की फ्लाइट से टोक्यो जा रहा है, उसे रोक और उसकी गाड़ी की तलाशी ले। पर क्यों? जैसा कहता हूँ वैसा कर, ये तो बहुत पछताएगा। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, तुमने कहा और मैंने कर दिया, ऐसा थोड़ी ना होता है। दवे उसकी गाड़ी में बॉम्ब। क्या
बॉम्ब कहाँ है बॉम्ब? इंस्पेक्टर मेरी प्राइड छुट जाएगी। दिस इज नॉनसेंस। बस एक मिनट, हम कोई चांस नहीं ले सकते। ये फाग क्यों रहे आप? एक मिनट, ठीक से चेक करना दीजिए। कुछ नहीं है, चल। रवि, एक मिनट। सुनवाई में तकाशी साहब, आपने कहा था कि आप बंसल साहब के पास ओरिजिनल पेंटिंग खरीदने गए थे। यही है वो? जी हाँ, टोक्यो में इस पेंटिंग का कीमत 4 करोड़ रुपया। ऑर्डर ऑर्डर। ये चोरी का पेंटिंग मुझे 1.5 करोड़ में मिल रही है, इसलिए मैंने बंसल का ऑफर मंजूर किया था। I was making a good profit. हाँ, बहुत बहुत मुनाफा, 2.5 करोड़ रुपए का। तो बंसल ने तो दी थी आपको ये पेंटिंग उस रात? जी नहीं, उससे पहले वो मारा गया था। ये पेंटिंग मुझे किसी और ने दी। कल किसने? उसका असिस्टेंट। ये बाबुल साहब? वो नहीं, वो कल मुझे उसका फोन आया। हेलो हेलो मिस्टर तकाशी, वो जो पेंटिंग आप मिस्टर बंसल से लेने वाले थे वो पेंटिंग मैं आपको दे सकता हूँ, लेकिन उसके लिए पैसे आपको मेरे को देने पड़ेंगे। 1.5 करोड़ मंजूर है? ओके डन, मैं उस पेंटिंग को लेकर आज ही टोके चला जाऊंगा। हाँ थैंक यू सर। सर वो एक्चुअली मिस्टर बंसल ने पेंटिंग चुराई थी और फिर मुझसे नकली बनवाकर घर पे रख दी थी। सर मैं तो सिर्फ सर के मरने के बाद पेंटिंग से फायदा उठाना चाहता था सर, और कुछ नहीं। झूठ बोल रहे हो, मैं समझाता हूँ आपको। योर ऑनर, हुआ ये कि बंसल साहब मेरे मोकिल मनोज से ये पेंटिंग खरीदना चाहते थे। उन्होंने साइनाथ वो रकम दी, वो राशि थी कि साइनाथ जाकर मनोज से ये पेंटिंग खरीद ले। किंतु इनके मन में आया लोग, इन्होंने वो राशि भी रख ली और मनोज के घर से असल पेंटिंग चुरा कर उसके स्थान पर नकल पेंटिंग लगा दी। असल पेंटिंग जाकर बंसल साहब को दे दी ताकि उन्हें लगे कि ये सौदा हो गए। मनोज को फिर पता चला कि उनके घर में जो पेंटिंग लगी हुई है वो असल नहीं, नकल है। और आकाशी साहब की तरह मनोज भी जानते थे कि बंसल साहब ऐसे ही हरकतें करते हैं पेंटिंग नकली बनाने। उन्हें लगा कि ये जो नकली पेंटिंग उनके घर में लटक रही है वो पूरा बंसल का किया था। ये अपना पैसा लेने बंसल साहब के पास पहुंचे। असली नकली को लेकर दोनों में तर्क वितर्क हुआ, विवाद हुआ, और तभी साईनाथ वहां आए और इस विवाद को सुनकर जो भारी राशि इन्होंने दबा ली थी वो इनके हाथ से फिसल तो ही दिखाई। सर ये आप कैसे कह सकते हैं? सर मेरी बात अभी पूरी नहीं, शांत रहिए। इन्होंने अपनी बंदूक निकाली और सोचा कि अगर दोनों को खत्म कर दिया जाए तो इनका काम आसान हो जाए। इन्होंने सर्वप्रथम बंसल जी पर गोली चलाई, उन्हें गिरा। द्वितीय इन्होंने मनोज पर गोली चलाई। तो मनोज के हाथ में किताब थी और गोली उस किताब पर जा लगी। मनोज नीचे गिरा और नीचे गिरने के कारण उनके सर पर चोट आई।
जब आपने ये देखा कि मनोज अपनी याददाश्त खो बैठा है, तब आपने सोचा कि क्यों ना इस अवसर का लाभ उठाया जाए और इन्हें बंसल जी के हत्या के आरोप में फंसा दिया जाए। ये आप कैसे कह सकते हैं मिस्टर पाठक? उचित प्रश्न कठोर साहब, तो उत्तर देता हूं। योर ऑनर, बंसल साहब की हत्या 13 सितंबर की रात की, और ये पिस्टल जिनसे इनकी हत्या की गई ये इस अखबार में लिखी। योर ऑनर, हत्या के बाद 14 और 15 सितंबर को मेरे मुवक्किल मनोज पुलिस की हिरासत में, ये अखबार जिसमें हत्या का औजार निपटा गया था ये 15 सितंबर का है। अगर मनोज ने हत्या का औजार छिपाया होता तो स्पष्ट है योर ऑनर कि अखबार भी उसी दिन का होता, 15 सितंबर का नहीं। 15 सितंबर के अखबार में हत्या के औजार का होना, इसका तात्पर्य यह निकलता है कि हत्या का औजार किसी और ने छिपाया था। साइना तो साइना थी क्यों? योर ऑनर, जब मेरे मन में ये शंका जागी कि ये मनोज का किया धरा नहीं, कोई और ही है जिसने मनोज के घर घुसकर चित्र को चुराया, तो मैंने मनोज के घर के आसपास जितने चाबी वाले थे उनसे संपर्क किया, और एक चाबी वाला गुलाबचंद, उसने योर ऑनर साइना साहब की फोटो को पहचान लिया। कितने में आपने दो चाबियां बनवाई थी? 5,000 रुपए में। 5,000 रुपयों में योर ऑनर दो चाबियां इन्होंने बनवाई 11 सितंबर को, उसी दिन जिस दिन बंसल ने इनको रुपए दिए मनोज के घर जाकर उस चित्र खरीदने। स्पष्ट है योर ऑनर ये चित्र खरीदने की मंशा ही नहीं थी, ये पैसे खुद रखकर उस चित्र चुराना चाहते थे, जिस कारण से इन्होंने वो चाबी बनवाई, और वही इन्होंने किया। उस चाबी का उपयोग करके मनोज के घर में से असल चित्र चुराई और उसके साथ नकली चित्र लगाया। जब इन्होंने देखा कि मनोज अपनी स्मरण शक्ति खो बैठा है, इन्होंने उस अवसर का लाभ उठाना चाहा, तो उसी चाबी से एक बार फिर मनोज के घर में घुसकर हत्या का यह हथियार इन्होंने वहां आरोपित किया और इन्हें इस केस में फंसाया। अब आगे बोलू या आप भी कुछ साथ देंगे मेरा? सर, मैंने मारा उसको, उसकी जान ले ली मैंने, पैसा नहीं देता था, सिर्फ कुछ समझता ही नहीं था उनको। आपने कहा ना वो लाखों की पेंटिंग, सर वो पेंटिंग बेचकर मैं करोड़ों कमाना चाहता था, बस अपना फायदा चाहता था सर, हार दिया इसे। The defense rests, Your Honor. ये अदालत साईनाथ दीक्षित को अमित बंसल के कत्ल के जुर्म में दोषी करार देते हुए तुरंत हिरासत में लेने का हुक्म देती है, और मनोज भंडारी को इस केस में निर्दोष पाते हुए बाइज्जत बरी करती है। द केस इज क्लोज। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, click the show links and enjoy watching the videos.